हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। आज मैं आपके साथ जो क्लर्क का पेपर हुआ था, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, चंडीगढ़ कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, वो डिस्कस करने वाला हूँ। पेपर हमारे सामने है और जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो हाई कोर्ट क्लर्क की जो कमेटी है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी, उसने उनकी आंसर की को फाइनलाइज किया है। तो ये जो मैं आंसर की आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये ऑफिशियल है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के जो गेम होता है उसमें कितने प्लेयर होते हैं? तो जो इसका सही आंसर है वो है 5, ठीक है। और ये जो पेपर है ये आने वाले एग्ज़ाम्स में भी बेनिफिट देगा। जो कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम होने वाले हैं, पंजाब के हों चाहे हरियाणा के हों, उनमें भी बेनिफिट देगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको भी देखें। वैसे ये पेपर काफ़ी दिन पहले हो चुका है, ठीक है, पर ये फिर भी हमें देखना है। टू ऑफ द ग्रेट मुगल रोट देयर ओन मेमरीज, ठीक है, जिन्होंने खुद अपनी जो मेमोयर्स लिखे थे, अपनी जीवनी खुद ने लिखी थी, वो कौन थे? तो वो थे हुमायूं और जहांगीर। ऑप्शन बी सही है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई, तो राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। द प्रेजेंट लोकसभा इज द, जो हमारी अब लोकसभा चल रही है वो कौन सी है? 17वीं लोकसभा के ही अभी क्या हुए थे, रिसेंट में इलेक्शन हुए थे। इंडिया रैंक्स डैश इन द इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस, तो जो इंडिया की रैंक पूछी है कैंसर प्रिपेयर्डनेस में, तो वो है 19th, ठीक है। ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की है। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ, ठीक है। तो ये कोटिंग कैसी होती है गैल्वेनाइजेशन में आयरन शीट्स पर? वो होती है जिंक की। द एशियन गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन दिल्ली, इन जो पहले एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, वो कब हुए थे? वो हुए थे 1951 में और डेट है 4 मार्च 1951। इंडिया साइंड एन MOU, MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऑन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर विद। अभी हाल ही में जो MOU साइन हुआ इंडिया का कोऑपरेशन इन हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, वो किसके साथ हुआ? वो हुआ अफ्रीकन यूनियन के साथ। ऑप्शन सी। अंडर PMSTAC, ठीक है, डैश नंबर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो इसका जो सही आंसर है वो है 9, ऑप्शन डी। अभिषेक वर्मा रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन डैश एयर पिस्टल इवेंट एंड द ISSF वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ है, अभिषेक वर्मा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। साइना नेहवाल डैश एट सैयद मोदी इंटरनेशनल इन 2018, तो उन्होंने क्या जीता ये पूछा है, इन्होंने जीता गोल्ड, ठीक है, सॉरी गोल्ड नहीं सिल्वर, इन्होंने जीता सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जो 2018 में हुआ। उसके बाद है हु प्रेजेंटेड द प्राइज टू द विनर्स ऑफ द साउथ एशिया रीजनल वास इनोवेशन, इसमें जो प्राइज हैं वो किन्होंने दिए थे साउथ एशिया रीजनल वास इनोवेशन में? ये दिए सचिन तेंदुलकर ने। उसके बाद है ग्लूकोजेन स्टार्च एंड सेलुलोज आर पॉलीमर्स ऑफ, ये किसके पॉलीमर्स होते हैं? ग्लूकोजन स्टार्च और सेलुलोज, तो ये होते हैं ग्लूकोज के, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है डिफ्यूजन। हु वॉज द लीडर ऑफ जींद रिवोल्ट इन 1814, जो 1814 में जींद रिवोल्ट हुआ उसके जो लीडर थे वो कौन थे? तो वो थे प्रताप सिंह। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी, इनमें से जो बुक है वो
महात्मा गांधी ने कौन सी वाली लिखी है ये पूछता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है हिंद स्वराज। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा पार्ट कहलाता है हमारे ब्रेन का, तो वो कहलाता है फोर ब्रेन। ए सेविंग बैंक अकाउंट इन द सोल नेम ऑफ ए माइनर कैन बी ओपन्ड इफ ही एंड सी इज, ठीक है, तो वो है इसका जो सही आंसर है वो है 10 साल 10 years। इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज, इसमें जो प्रोसेस लगती है वो प्रोसेस होती है रिडक्शन। HTTP की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इफ द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप इज ए एंड ए, व्हाट कैन बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चाइल्ड। अगर किसी के पेरेंट का ए और ए है ग्रुप, तो उनके जो बच्चे का ग्रुप है वो क्या होगा, वो होगा ए या ओ, ठीक है। वेयर वाज द फर्स्ट नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो ये जो नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी ये पहली हुई थी न्यू दिल्ली में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद गोल्फ, गोल्फ से कौन सी ट्रॉफी एसोसिएटेड है, प्रिंस ऑफ द वेल्स कप। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सभ्यता है और सिंधु सभ्यता उनको ही इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ सुरकोटड़ा एंड धौली धौलावीरा आर लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ। ये सर लाइन सही है कि जो धौलावीरा और सुरकोटड़ा है वो दोनों रन ऑफ कच्छ में हैं। मैरी क्यूरी वॉन हर नोबल प्राइजेज इन, मैरी क्यूरी ने दो फील्ड में नोबल प्राइज जीते थे, तो उसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसके बाद है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी है जो हड्डी पूछी है वो कौन सी है, तो वो है ईयर बोन, और जो सबसे लंबी होती है वो होती है फीमर। इंटीमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, तो इसमें पूछा है, तो इसमें जो है ये चारों ही ऑप्शन गलत थे, तो इसलिए जो इसका आंसर सही दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो क्या है, वो है क्योंकि जो इंटीमोलॉजी है ये एक ऐसी, इसमें स्पेलिंग गलत है क्योंकि ये इटीमोलॉजी था और इटीमोलॉजी होता है व्युत्पत्ति विज्ञान, तो इस वजह से जो इसमें बच्चों को एक मार्क सभी को दिया गया था क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं था। FFC ये पूछा है, ये क्या है इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। द ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन वाज कंडक्टेड इन, ये कब हुआ, तो ये हुआ सबसे पहले 1967 में। उसके बाद है द हिबियस कॉर्पस एक्ट 679 क्या कहता है, तो ये जितने भी टर्म हैं इनको सही मानता है जो ऊपर हैं, दैट ठीक है, स्टेट्स दैट नो वन वाज टू बी इम्प्रिजेंट विदाउट ए रिट और वारंट स्टेटिंग द चार्ज अगेंस्ट हिम, प्रोवाइडेड राइट टू ए प्रिजनर टू अबटेन ईदर स्पीडी ट्रायल और रिलीज ऑन बेल और सेफ गार्ड द पर्सनल लिबर्टी ऑन द पीपल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी इम्प्रिजनमेंट। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ये ऑफिशियल आंसर की है, मैं फिर बता रहा हूँ। फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन, पहली जो अफगान वार हुई थी वो कब हुई थी, 1839 में, ऑप्शन ए। उसके बाद है ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये है 8th of May, ठीक है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाई चेंजिंग फ्रॉम, तो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, स्लाइडिंग टू रोलिंग। इसके बाद है जो ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी साइन द आर्मिस्टेरी ट्रीटी ऑन, ये कब ट्रीटी कब हुई थी, ये संधि कब हुई थी, तो ये
ऑप्शन सी है, जो इसमें ही थोड़ा एरर है, ये हुई थी 11/11 को। तो अब ऑप्शन इसमें अकॉर्डिंग टू मिला नहीं है ऐसा, तो बच्चों को एक आंसर, एक नंबर सभी को दिया गया, पर जो सही डेट है वो है 11 नवंबर 1918। उसके बाद है द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, वो ये ओजोन लेयर क्या करती है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक लेती है। फिलेरिया इज कॉज्ड बाय, फिलेरिया किस वजह से होता है, तो ये होता है मॉस्किटो की वजह से। DRDL की फुल फॉर्म पूछी है, कई बार एग्ज़ाम में मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म ज़्यादा आ रही है, तो इसका जो सही है डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। कोरल रीफ कैन बी फाउंड इन इंडिया, तो जो है इसमें पूछा है कोरल रीफ्स कहाँ मिलते हैं, तो ये जो है क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि जो इंडिया में काफ़ी एरिया हैं जहाँ पर जो कोरल रीफ है मिलता है, तो जैसे रामेश्वरम भी है, निकोबार आइसलैंड भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, इसलिए इस पेपर को, इस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया गया था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वर्डन इन, तो ये कहाँ हुई, जो बैटल ऑफ वर्डन हुई थी ये हुई थी 1916 में, सॉरी द फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन लंदन इन, जो पहली इंटरनेशनल पीस कांग्रेस हुई थी लंदन में, वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1843 में। हॉकी वाज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स इन, हॉकी को पहली बार खेल के तौर पर एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया, ये किया गया 1958 में, और मैंने अभी आपको बताया जो पहले एशियन गेम्स हुए वो 1951 में भारत में हुए। उसके बाद है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्रूसेड जेरूसलम वाज कैप्चर्ड इन, जेरूसलम को कब कैप्चर किया गया था, तो ये किया गया था 1099 AD। ठीक है, ईस्ट टिमोर इज ए कंट्री इन कॉन्टिनेंट ऑफ, कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, जो ईस्ट टिमोर है ये आती है एशिया में। एक्सेसिव सेक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन, ठीक है, तो ये किस में रिजल्ट करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सेसिव सेक्रेशन करते हैं अगर, तो ये है इंक्रीज्ड हाइट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक यूज़ ऑफ रेजिटरी पावर्स, कब कब कर सकती है, तो वो कर सकती है एट ऑल टाइम्स। ठीक है, द प्रेजिडेंट कैन स्पेंड आउट द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो जो कंटीजेंसी फंड होता है उसको प्रेजिडेंट कब खर्च कर सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बिना कोई अप्रूवल लिए हुए कंटीजेंसी फंड से पैसा खर्च कर सकता है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू फाइनली डिटरमाइन एज टू वेदर और नॉट ए पर्टिकुलर मैटर फॉल्स विद द रेजिडरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट, इसका निर्धारण कौन करता है कि कोई मैटर है वो रेजिडरी पावर है जो पार्लियामेंट की, उनमें लाई करता है या नहीं करता है, तो ये करता है जुडिशियरी डिसाइड। The ideals mentioned in the preamble to the Constitution of India are inspired by, तो जो ideals लिए हुए हैं, आदर्श लिए हुए हैं भारत के, जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें वो किससे प्रेरित हैं, वो हैं प्रेरित फ्रेंच रेवोल्यूशन से। The power to prorogue the Lok Sabha rests with, ये किस में है, तो ये है प्रेसिडेंट में। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि जो 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, जो फाइनल आंसर की है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश के सेक्शन के आप देखिए, ये है अमंग द ऑप्शन गिवन चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो बेस्ट एक्सप्रेस करता है जो मीनिंग वो बताना है। तो पहला है सेंग्विन, सेंग्विन का मतलब होता है होपफुल। स्पाइट, स्पाइट का जो सही है उसका होता है मेलाइस। डोसाइल,
डोसाइल का सही होता है जेंटल, सभ्य। उसके बाद है फिकल, फिकल का जो सही आंसर है वो होता है चेंजेबल, परिवर्तनशील। वैंधता, वैंधता में पूछा है तो ये होता है एक तरह से जो शत्रुता होती है, बदला लेना, ठीक है। उसके बाद है चूज द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द ब्लैंक, ये फिल इन द ब्लैंक है, इसमें जो बेस्ट आएगा वो बताना। प्रिया इज नॉट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, तो इसका जो सही होगा कट आउट, प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। सी हैज नॉट रिकवर्ड फुली डैश ऑफ द शॉक, तो ये आएगा फ्रॉम द शॉक, सी हैज नॉट रिकवर्ड फुली फ्रॉम द शॉक। इसके बाद जो है ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आए थे, इनको अरेंज करना था, ये सिंपल ही थे वैसे क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसी तरह से जो 59 क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन बी जो सही है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि मीनिंगफुल एक वर्ड बनाना था, ठीक है। तो जैसे इन 59 का जो बना वो बना पिस्टल, और इसमें 58 का आप खुद से बना करके देखना, जिससे आपको एक आइडिया भी आ जाएगा। टू सेव वंस फेस ईडियम फ्रेजेस हैं, ईडियम प्रोवर्ब हैं, तो ये बताने हैं इसका क्या मतलब है। इसका है टू सेव वंस फेस, टू इवेड डिस्ग्रेस, टॉल ऑर्डर, इसका बताना है। टॉल ऑर्डर का होता है टू मच। एडम्स एल, इसका होता है पानी, एडम्स एल को पानी कहते हैं। हार्ड प्रेस्ड, इसका सही है इन डिफ़िकल्टी। पिन मनी, पिन मनी होती है अलाउंस, ठीक है। उसके बाद है मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, तो इसमें जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वो है ऑप्शन ए स्टूपिफाई। इसकी स्पेलिंग आप खुद से सर्च करें, क्योंकि आपको एक तरह से लिख भी लोगे और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से इसकी स्पेलिंग है। इसके बाद है स्टेंसिल, ये इजी है, आप बता भी सकते हैं। 67 का जो रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड है वो है ऑप्शन ए। 68 का जो रॉन्ग वर्ड है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि हारमोनियस में मैं ये बता देता हूँ आपको, एन ओ यू एस आता है, ठीक है, एन आई ओ यू एस आएगा यहाँ पर, एन आई ओ यू एस। It was not impossible for the overworked mother to dash with so many yelling children. इसमें जो सही आएगा वो होगा to cope with, ठीक है। One flight was dash, फ्लाइट को क्या कर देते हैं diverted from जयपुर to आगरा। उसके अलावा ऐसे आए थे, 10 मार्क का ऐसे लिखना था, क्योंकि आपको पता है इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें 50 नंबर जनरल अवेयरनेस की और 50 आपका आता है इंग्लिश सेक्शन से, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप और 30 क्वेश्चन का आपका होता है डिस्क्रिप्टिव का। इसमें आए थे जो पैसेज आए थे वो ऐसे आया था, वो था ए वर्ल्ड फ्री फ्रॉम वार, योर एम्बिशन इन लाइफ, माई फर्स्ट डे एट वर्क और चाइल्ड लेबर। तो इन चारों में से किसी एक पर आपको लिखना था, ये 10 मार्क का था। Write a letter on one of the following topics, ठीक है। A letter to your employer with 1 year study leave without pay, A letter to your manager of the bank pointing out ATM fraud in your account, ये 5 नंबर के थे। तो मैं आपको बताऊँ letters के लिए सबसे best होगा आप 11th और 12th की जो है book उठा लें, और उनमें आपको मिलेंगी कि आपको proper pattern भी मिलता है किस तरह से आपको paper में letter attempt करने हैं। इसके बाद आया था प्रेसी राइटिंग आया था, इसमें आपको क्या जनरली क्या करना होता है, इसको पूरे को पढ़िए और उसमें से जो मेन मेन पॉइंट हैं उनको एक तिहाई शब्दों में अपने शब्दों में लिखें। उसका प्रभाव ज़्यादा ये नहीं है कि इसी में से लाइनों को कम कर करके लिख दें, अपने शब्दों में इसी की जो थीम है, जो इसमें आइडिया बताया गया है उसी को डिस्कस करें। 5 मार्क्स का आया था ये। और इसके अलावा फिर हिंदू टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो कितने नंबर की है, 10 नंबर की है। तो इस तरह से मैंने आपके साथ आज पेपर जो डिस्कस किया है वो किया है जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, चंडीगढ़ क्लर्क कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके
तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये बात याद रखें कि जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी सेम पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है, और इसके अलावा जो लेवल है वो भी इसी तरह का रहेगा। तो एक बार पेपर को जल्दी से रिवाइज ज़रूर कर लेना, और होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।